अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आज भाई? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। वाइट वाइट लग रही हो, क्या लगा है? क्या लगा है? तो आज ये DHA की वर्दी पहन के जा रही है, शायद इनका आज कोई स्पोर्ट डे है क्या? हाँ, लेकिन इसमें बहुत प्यारी लग रही हो आज, काफी दिनों। हाँ सर, चलें गाइस काइंडली, जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह डे की जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। आज जुमा है ना, और मैंने भी सलवार कमीज पहनी हुई है, तो मैंने भी जो है ना ये ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, मैंने भी सलवार कमीज पहना हुआ, क्योंकि आज जुम्मा है तो जुम्मा वाले दिन जो है ना सलवार कमीज पहन के नमाज पढ़ने जाना चाहिए, अच्छी बात है। वैसे भी और दिनों भी आप तो सलवार कमीज पहन सकते हैं, तो नमाज तो वैसे 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ भाई, फिर मेरी बातों का इशू ना बना दिया करें, है ना? मैंने उम्दा का पहना हुआ है, मेरा है ही नहीं। क्यों, तुम्हारा क्या करेंगे लेके? ये ठीक है, ये तू ये ले, फिर ये ले, क्या करेगी? बोल बोल बोल। ओ, आ, नहीं कर मोटी, ये ले मोटी, फिर ये ले, मैंने तुझे मार दिया मोटी मोटी। आ, ये ले मोटी, फिर मोटी ये ले, फिर मोटी ये ले, ओ, आ, ये ले मोटी मोटी। अब मजा आया, मजा आया, बता बता बता, मजा आया तुझे? मजा आया? आप पता मजा आया? ओ, 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 ये ले, फिर दो मार दी मुक्का मैंने, दो मार दी। आप बता मोटी, आप तेरी खैर, आप तेरी खैर। हाँ, लिपस्टिक लगानी है? हाँ, क्या लगानी है? उसमें लिपस्टिक लगाऊं? हाँ। फिर वो क्या प्रैंक करेंगे? अच्छा, ये भाई कल का टाइटल इसने मुझे बता दिया, पापा लिपस्टिक लगाएं और प्रैंक करें। लकड़ी की काठी। हाँ हाँ, चलो बैठो। अल्लाह, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, मारी मारी लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। हाँ, लकड़ी की काठी। अच्छा, ठी पे घोड़ा, मारा 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 धूम उठा के भागा। क्या तू गई? अब तू गई बेटी, अब तू गई, अब तू गई बेटी, अब तू गई बेटी। ये मेरी बेटी है और ये मैं हूँ, और ये इसको मैंने बल्लू बना दिया, बल्लू बनाया, बनाया बल्लू, मैंने दुआ को बल्लू बनाया, बल्लू बनाया, बड़ा मजा आया इसको, इसको मैंने बल्लू बनाया, बल्लू बनाया। आप तू भी गई बेटी, अब तू गई बेटी। अभी जो है ना सब लोग जा रहे हैं, मैं, अम्मी, फातिमा और दुआ बाहर, क्योंकि घर पे लाइट नहीं है, वहाँ पे नाश्ता भी करेंगे और कार तो थोड़ी देर बैठ जाएंगे, उसके बाद जो है ना 11 बजे फिर फादिया को लेते हुए आएंगे। क्या कहते हैं, बैट का पता नहीं कोई इशू बना हुआ है, 8:30 बजे की गई है और अभी 10 बज गए, अभी तक नहीं आई है, तो गर्मी हो रही थी तो मैंने बोला चलो बाहर चलते हैं, क्या कहते हैं, नाश्ता भी कर लेंगे, थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा, क्योंकि घर पे तो यार नहीं बैठा जा रहा। चलें जी, अभी हम लोग बदर पे पहुंच गए हैं और यहाँ से बैठ के हम लोग होटल पे, क्वेटा होटल है, यहाँ से बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना फादिया को लेंगे और लेके फिर हम लोग घर चले जाएंगे। क्या करने आई हो? खाना खाना।
खाना खाने आई हो? पैसे हैं तुम्हारे पास? कहाँ है? हाँ? कहाँ है पॉकेट? कहाँ है पॉकेट में? कहाँ है बताओ? मजा आ गया बिड़ू। नीचे टॉफी गिर गई है आपकी। ये हमारा नाश्ता आ गया, अभी जो है ना चने आ रहे हैं और यहाँ से पानी पानी भी हमने बाहर से मंगवा लिया, तो नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद। लाइला तो पढ़ाओ जी, पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलल्लाह। फादिया को भी ले लिए और उसके बाद यहाँ लेपेट से हमें सामान उठाना था, वो भी उठा रहे हैं हम लोग। खड़ा मार्केट है, बस यहाँ से घूम कर सामने दुबई कॉन्सुलेट है। आज फादिया की जो है ना ये ड्राइंग है जो इसने बनाई है, फादिया दिलबर और ब्लू रेड एंड येलो, बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई है। येलो ब्लू रेड एंड येलो, ब्लू रेड एंड येलो, ब्लू है रेड एंड येलो, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई है अपने। थैंक यू पापा। अभी जो है ना मैं आया था, ये केयर इज फुटवेयर, इनके पास आया था, सनी और मैं दोनों आए हुए हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और यहाँ से जो है ना मैंने अपने नाखून को देखे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, लेकिन ये कि मुझे इनके पास जो है ना चेकअप करवाना है, तो मैंने कहा एक दफ़ा चेकअप करवा लूँ, ठीक है। फिर ये डिटेल भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये क्यों चेकअप करवाया जा रहा है और कहाँ जाने की तैयारी है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन बवक्तन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो जो है ना मैंने कहा इसको चेकअप करवा लें, उसके बाद हमने जो है ना मॉल जाना है, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है, फिर इंशाल्लाह जो भी होगा। यहाँ पे पीटीवी का कुछ मैच वैच की डिटेल शिटेल चल रही है, और ये पता नहीं कौन सा ग्रुप है, स्टेडियम है ये नहीं पता चल रहा, नेशनल स्टेडियम है ये कौन सा ये नहीं पता इस चीज़ का, ये जो भी होगा अच्छा है। ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, बताऊँ कि उनको देर है, तुम आ जाओ पड़ी है। यार देखो मैं तो उसको बुला रहा हूँ, मैंने कहा तुम आ जाओ, तुम ये कह दो, बोलती नहीं। सामने जो है ना मैच चल रहा है, इसको बुला रहा हूँ। चलें जी, इस टाइम हम लोग सदर पहुंच गए हैं और जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ से शर्टें दो खरीदी हैं, उसके बाद शूज़ लेना है, वो शूज़ लेते हैं जैनब मार्केट की बैक साइड पे, एम्पोरियल मॉल है जो भी है, इंटीरियर मॉल जो भी है, चाक दे फटे जो भी है सही है। और यहाँ पे सदर में पैसे निकालना बहुत मुश्किल है भाई, कोशिश किया करें कि वहाँ से निकलवा के आया करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको आधा आधा घंटा भी जलील होना पड़ सकता है। तो यहाँ से हमने जो है ना शर्ट ली है, दो शर्टें ली हैं, बाकी यहाँ से शूज लेते हैं, ये मॉल है, फिर आगे के गप्पे बाद में लगाते हैं आपके साथ। रात हमने ऑनलाइन जो है ना शूज़, ये क्या नाम है इसका, क्लाइव से देखे थे, तो क्लाइव खुल चुकी है और गाइस बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, देख के चक्कर आ रहा है कि ये कैसी बिल्डिंग है, ये कहाँ आ गया हूँ मैं,
सनिया ये मुझे कहाँ ले आई हो? तुम्हारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं यहाँ पे आजकल, हाँ? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ? अब लोग ये ना बोल दीजिएगा कि ये पेंडू है। चलो चल जल्दी भागो, यहाँ पे देखो ट्रैफिक कितना है। हमारे यहाँ तो देखो ट्रैफिक बहुत कम होती है, यहाँ पे देखो ट्रैफिक कितना बहुत ज़्यादा है, कहीं मार ना दे। जल्दी 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 भागो भागो। ये तीन तलवार पे जो है ना हशपपी है बाटा वालों के साथ। सनिया की बड़ी तमन्ना थी कि मुझे हशपपी से अपने शूज़ वगैरह लेने चाहिए, लेकिन मैंने शूज़ नहीं सैंडल लिए हैं, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त हैं वो, उसके ब्लॉग में आपको दिखेंगे, मैं भी आपको दिखा दूँगा इधर से हमने लिए। मैंने गाइज यहाँ से हमने बाटा वालों से एक शूज़ लिया है और एक लिया हशपपी से। हशपपी से जो लिया है वो है, दिखाओ ज़रा, ये वाला, ये चीज़ है, और ये जो है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तुम खुश हो ना? ठीक है, आज इसने ये दोनों शूज़ मुझे अपनी सैलरी से लेके दिए, थैंक यू सो मच। तो गाइज अभी हम लोग जो है ना खड़े हुए हैं तीन तलवार के और दो तलवार के सेंटर में, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। अभी कुछ खाना है? अभी हम घर जा रहे हैं, अभी हमने कुछ खाना है? हाँ नहीं खाना, अभी हमने कुछ नहीं खाना, अभी हम घर जा रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, तो मैं आके हैरान हो गया हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना वो बोल रहा था कि मर्द को फूल जो है ना सारी ज़िंदगी नहीं मिलते, जब वो मर जाते हैं तो उसकी कब्र पे फूल डाले जाते हैं बस। लेकिन इसने ये बात सुनी है रात, पता नहीं क्या, अभी हम लोग बाहर जा रहे थे, मुझे बोलती है एक मिनट फूल ले लो, मैंने कहा क्यों? बोलती है लेने तो दो, और ये फूल इसने मुझे लेके गिफ्ट किए हैं कि लोगों की जो है ना बात को चेंज करते हैं, ठीक है? जीते जी भी दिए जाते हैं, लाजमी नहीं है, और ये फूल देने से मोहब्बत बढ़ती है। आप देखें माशाल्लाह से कितना प्यारे फूल है। ओए ओए थैंक यू सनिया, ऐसे तो इतना प्यारा फूल मैं हूं। थैंक यू। और मैं शूज़ भी आपको दिखाता हूँ, मेरे जो शूज़ लेके आए हूँ ना वो भी सारी इनकी शॉपिंग की है, और आज बहुत एक्सपेंसिव, आज मुझे ना ईद जितनी खुशी है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड खुश है। हाय हाय, शूज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, हशपपी से हमने लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैं मेडिकेटेड पहनता हूँ ना, ये वही चीज़ है, मतलब वो तो अब ये तो अब ये 15,000 का है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये हमने लिए, लेकिन बहुत अच्छा, और ना मतलब पाँव में ना ऐसा ज़बरदस्त लग रहा था, आपको क्या बताऊँ मैं। शूज़ जो है ना हमने ये लिए मेरे लिए, ये हमने जो है ना बाटा वालों से लिए, वो हशपपी से लिए, बहुत सॉफ्ट है और रिजनेबल भी है, और मेन चीज़ है कि मेरे पाँव को सूट कर गया, बस मेन चीज़ यही, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आज हम 4-5 घंटे लगा के हैं, एक शर्ट हमने ये लिए, ये भी ये सारी शॉपिंग सनिया की तरफ से है, और ये शर्ट लेना कोई और कलर था वो मिला ही, ये दोनों शर्टें, ये दोनों जूते और ये फूल जो है ना सनिया की तरफ से हैं, थैंक यू सनिया। चलो और भाई इनको भूख लगी थी, अभी इनके लिए पुलाव हुई यहाँ से शाही पकवान से हम लोगों ने जो है ना बिरयानी ली है, दो पुलाव लिए, पुलाव लिए, छुपाओ नहीं। चले अभी घर चले, और भाई सुबह से लाइट गई, अभी तक लाइट नहीं आई हमारे घर पर, और मेरी बेटी का पाँव भी जल गया। चलो इसलिए बोलता हूँ सलन सर की साइड से, नहीं उतरा करो, लेकिन क्या करो, जिद भी तुम लोगों की, वहाँ के हाथ जो है ना पैसे लग गए हैं। लानो क्या करना है अभी इतना पैसों का? डॉल्फिन वॉल चलना, इधर इधर खड़ी हो ना, डॉल्फिन वॉल चल, क्या करना है उसका? हाँ देखो मां बोलते हैं पैसे, नहीं इसका करना क्या, पैसों का क्या करेंगे? क्या इधर इधर खड़ी हो, क्या करने, गोल गोल गप्पे खाने? नहीं, हाँ चलना, वो करना क्या है वहाँ पे जल के? कितना पैसे हैं? आपको पैसे किसने दिए? मैंने कुछ लिए। कहाँ से लिए? वो यहाँ से, वहाँ टेबल पे पड़े थे? हाँ। वो तो तुम्हारी माँ के हैं, वो हमें मार डालेगी। नहीं, नहीं मारेगी, बस नहीं मारेगी, मुझे दे तो फिर पैसे। चलो नहीं। जी तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा 2-4 बातें करनी थी चाचू अनवर साहब के लिए, जो कि आजकल बहुत ही तहेश में आए हुए हैं, उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ बात करनी होती है वहाँ तो आप बात करते नहीं हो, ठीक है ना, और जहाँ बात नहीं करनी होती वहाँ पे आप बात करने आ जाते हो, ठीक है ना। तो आपसे भाई यही रिक्वेस्ट है
कि काइंडली जो है ना आप मेरी फैमिली पे या मेरी वाइफ पे बात करना छोड़ दें, ठीक है ना। आप अपना जो भी करना है करें, लेकिन मेरी वाइफ पे प्लीज़ बात करना छोड़ दें। ये आपके लिए एक लास्ट वार्निंग होगी। अगेन फिर आप मुझे ये ना बोलिएगा कि ये बंदा कुछ बोल रहा है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हो गया। आप हर दफ़ा जो है ना आके बात कर देते हैं बिला वजह ना, कोई बात का सिर होता है ना मुंह होता है, ठीक है ना। बिला वजह का आपने जो है ना आके बीच में कूदना होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे से जो है ना मेरी वाइफ के लिए आपने कोई भी बात नहीं करनी। अगर करेंगे तो फिर आगे से वैसे ही जवाब आएगा जैसे आपने बात करनी है। उसके अलावा जी क्या कहते हैं, मेरे अब्बा हजूर ने वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरी बेटी और बेटा दोनों एक जैसे हैं, तो उनसे मुतालिक मैं बात नहीं करना चाहता। और बातों बातों में वो बात भी कर गए हैं और उन्होंने बोला कि मैं बात नहीं करना चाहता। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जो है ना बस कुछ भी नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने और बहुत अच्छा बोला है आपने, थैंक यू हो गया आपको भी, ठीक है। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। उसके अलावा गाइस, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको कल के व्लॉग में जाऊँगा, जब एजेंसी पे जाऊँगा अपना पासपोर्ट जमा करवाने, उसके बाद फिर आगे की डिटेल मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँगा।